नमस्कार साथियों, हमारे संतरा अब तैयार हो गए हैं तो हम इसकी मार्केटिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको अपने पूरी मार्केटिंग का कैसे मैं अपना यहाँ से ही पूरा बेचता हूँ तो उसको कैसे मैं सेल करता हूँ और कैसे हमें इनको पौधों की केयर करनी है। और राजस्थान में अगर आप संतरा की खेती करते हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी समस्याएं ऐसी आती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना और उनका कंट्रोल करना है, इस सब बातों की पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसान साथियों, ये हमारा जो संतरा का बाग है, इसमें हम पिछले 3 वर्ष से काफ़ी मेहनत करके और राजस्थान में इसको हमने अच्छी तरह से डेवलप किया। आप देख रहे हैं पूरे बाग के अंदर, पूरे पौधों के अंदर बहुत ही शानदार, नीचे से लेकर ऊपर तक, आगे से लेकर पीछे तक पौधे, जितनी इनमें पौधों के अंदर ग्रोथ है उतने ही इनके अंदर फल लगे हुए हैं। और ये अभी 3 वर्ष के पूरे हुए हैं तो आगे अगले वर्ष इनसे भी डबल प्रोडक्शन आने का अनुमान है। इन पौधों के अंदर आप देख रहे हैं कम से कम एक पौधे के 50 से 60 केजी के आसपास फल लगे हुए हैं। ये पूरे पौधे हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये पत्तों के नीचे फल आ रहे हैं, तो ये सारे फल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखो नीचे होके मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा देता हूँ। तो इनके लिए हमने बहुत कई चीज़ों को बहुत फेस किया है और हमारे कई बार ऐसी दिक्कतें भी आई हैं कि कई पौधों में प्रॉब्लम शुरू के अंदर हमने फेस की थी, लेकिन अब सारे पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ के अंदर हैं। हमने ये बाग पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है। तो शुरू के अंदर ये हमारी ज़मीन थी वो पूरी बंजर जैसी थी, तो हमें काफ़ी समय इनमें लगा और काफ़ी ऊर्जा भी खर्च हुई। तो इसमें मुख्य जो कई चीज़ें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं वो मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और जो भी अगर आपके कोई समस्या आप फेस कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी बाग लगा रखा है या लगाने का सोच रहे हैं, तो जो भी समस्या आपके आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर मेरे पास समाधान होगा तो मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने 3 वर्ष में काफ़ी कुछ सीखा है लोगों के साथ। कई बागों में मैंने जाकर के और लोगों से राय वसूला किया है और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो मेरे को जितना नॉलेज है वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये तो, बाग हमने जब लगाया था तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब एक संतुष्टि मिलती है कि हमारे पौधे अच्छे से तैयार हो गए हैं और इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो आप फ्रूटिंग देख रहे हैं ये हो गई है। 3 वर्ष के पौधे हो गए, तो 3 वर्ष में हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। कई बागों में मैंने जाकर के विजिट करी और लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखी तब जाकर के, और मुझे आज ये एहसास होता है कि पूरा हमारा जो बाग है बहुत ही अच्छे से तैयार है। और अब जो चीज़ें हैं, जो गलतियां हमारे से शुरू में हो रही थी वो गलतियां अब नहीं करते हैं, और शुरू में हमारे कई पौधे ख़राब भी हो गए थे, लेकिन अब जितने भी पौधे हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा हमने बाग जो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है उसके वीडियो मैंने पहले भी डाल रखे हैं। तो हमने ये ऑर्गेनिक पे लिया तो पौधों के अंदर शुरू के अंदर न्यूट्रिएंट की भी कमी रहती थी और इनके पत्ते थे वो भी ऐसे नहीं थे, कई बार अच्छी न्यूट्रिएंट की कमी फील होती थी, लेकिन हमने पूरा ऑर्गेनिक पे ही इसको रखने का प्रयास किया और आज हमारे पौधे और इनके अंदर जो फ्रूटिंग है वो सब कुछ देख करके और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इसके लिए हमने शुरू में जब हमारे पौधे लगाए थे उससे पहले हमने इस ज़मीन को पूरी को, ये टीला था तो टीले को हमने लेवल करवाया। लेवल करवाने के बाद में इसके अंदर थोड़ी जोड़ की 50 ट्रॉली जोड़ की मिट्टी डाली थी, और उसके बाद में जब मई का महीना आया तो हमने गड्ढे करवाए। गड्ढे करवाते समय हमारे एक थोड़ी
इसी गलती हो गई कि जो हमने गड्ढे इनकी दूरी हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी थी, जो हमने 10 फीट की रख दी, इससे ये 3 साल के पौधे ही आपस में मिल गए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो इनके आपस में पौधे से पौधे की दूरी है वो कम से कम 15 फीट तो रखनी ही है, बाकी 18 फीट आप अगर रखो तो बेस्ट रहती है और आपको आने जाने में और इसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें हमने इस साइड में जो लाइन टू लाइन दूरी है वो तो हमने 15 फीट रखी थी और ये 10 फीट रखी, तो ये भी मेरे को ऐसे लगता है कि ये भी आगे कम पड़ने वाली है और हमारे आने जाने में समस्या पैदा होने वाली, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हमने गड्ढे करने के बाद में उसके अंदर खाद भर दी और खाद को भी हमने शुरू में ही हमने लेने के बाद में और उसको गड्ढे में डाल दिया था, जिसमें हमने नीम और आग के पत्ते उनमें मिक्स करके और ऊपर से गड्ढा बंद किया था, तो 6 महीने वो खाद है वो पूरी ऐसे जो चाय की पत्ती होती है वैसी तैयार हो गई थी। उसको पत्ती जो गड्ढा उसमें हमने 25-30 केजी के आसपास डाली थी, तो और उसके अंदर हमने जो SSP है वो भी उसके अंदर हमने डाली थी उस समय, क्योंकि वो उस समय ज़मीन के अंदर इतना कुछ था नहीं, तो वो भी साथ में डालना उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया था जहाँ से ये पौधे लेकर के आए थे। तो ये सारी करने के बाद में और हम जब 2 बारिश अच्छी सी हो गई उसके बाद में हमने ये पौधे लगाए थे, और लगाने के बाद में शुरू के अंदर ही इनमें जब बारिश के बाद में ये पत्ते इनके पूरे मुड़ गए थे और बिल्कुल ग्रोथ रुक गई थी, तो हमने सोचा कि अब इनमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है तो क्या करें। फिर इस चीज़ का बागों में घूम के और पता किया तो ये पता चला कि इसके अंदर शुरू के अंदर पौधों के में जो तितली होती है उसका अटैक होता है और ये पत्ते चिकने हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, तो उनमें और ग्रोथ पूरी रोक देता है। तो उस बात का हमने वो पता किया, तो उन्होंने एक दवाई भी हमें सजेस्ट करी थी वो केमिकल में ही आती है प्रोफेक्स ऊपर, उसका स्प्रे किया तो उससे एकदम से वो समस्या ख़त्म हो गई और पौधे वापस ग्रोथ के अंदर आ गए। फिर हमने इनके अंदर ग्रोथ प्रमोटर के लिए हमने ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार करी, उसमें सरसों की खली और नीम की खली और मूंगफली की खली तीनों को मिला करके और ड्राम में डाल दिया और उनको गड्ढों के अंदर डाला। फिर है ना उसके बाद में वेस्ट डिकम्पोजर बनाया और उसको बार बार चलाया, जीवा अमृत चलाया और कई चीज़ें खट्टी छाछ और गुड़ हमने उसको पौधों के अंदर डाला। इस प्रकार से इनके अंदर शुरू से हमने ऑर्गेनिक के तरीके से पूरा चलाते गए, और जिन पौधों के अंदर शुरू के अंदर हमें ये समस्या फेस हुई कि अगर न्यूट्रेंट की कमी है तो उसका पता किया, और कई ऐप भी ऐसे आते हैं उनसे फोटो लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि इस पौधे के अंदर किस न्यूट्रेंट की कमी है, और बाद में तो हमारे को पता चल गया देखते हैं अब तो देखते ही ये बता देते हैं कि इस पौधे में इस न्यूट्रेंट की कमी है, लेकिन उस समय हमें ज़्यादा पता नहीं था तो लोगों से पूछ करके ऐसे इन चीज़ों का पता करते थे। उसके बाद में शुरू के अंदर हमने कुछ टाइम तक इनमें केमिकल भी हमें डालना पड़ा, नहीं तो पौधे ग्रोथ में नहीं आ रहे थे, तो हमने उसका स्प्रे न्यूट्रेंट का किया। इसमें क्या होता है, 4 जो मुख्य न्यूट्रेंट होते हैं उसमें कॉपर होता है, जिंक, मोलिब्डेनम और बोरोन, इन 4 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनकी कमी बिल्कुल नहीं होनी देनी है, क्योंकि उनकी कमी होते ही पौधे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, तो इसका हमने पूरा ध्यान रखा। और उसके बाद में हमने जब इसको पूरा ऑर्गेनिक पे लेकर के आ गए उसके बाद में ये ऐसी कोई समस्या इन पौधों के अंदर हमें नहीं आई, और हमने खाद का पूरा ध्यान रखा, साल में कम से कम 2 बार इनमें खाद डालते हैं गोबर की, उसको गड्ढे के अंदर तैयार करते हैं, नीम और आग उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर 6 महीने तक गड्ढे को बंद करके रख देते हैं और 6 महीने में वो पूरी तैयार हो जाती है, क्योंकि गोबर की खाद अगर आप कच्ची पौधे के अंदर डाल रहे हैं तो वो फायदे की बजाय नुकसान कर रही है, उसमें एक तो जो सुंडी होती है वो उसका
उसमें आ जाता है तो वो कई बार है ना वो पौधों की जड़ काट देती है, पौधे ग्रोथ रोक देते हैं, पूरी जड़ भी अगर पौधे की नहीं कटी, साइड रूट भी अगर कट जाती है तो भी पौधा ग्रोथ रोक देता है और एक दीमक का अटैक आने का खतरा रहता है। तो कच्चा गोबर या अगर अच्छी तरह से आपने गोबर तैयार नहीं किया तो उस गोबर को पौधे के अंदर डालने में कोई फायदा नहीं है। तो उस चीज का हमने ध्यान रखा, गड्ढे के अंदर ही उसको तैयार किया और वो गोबर ही हम पौधों को देते हैं। डायरेक्ट गोबर अगर आपने ऊपर डाल रखा उसको पौधे में देंगे तो वो गोबर तैयार नहीं है, उसके न्यूट्रिएंट भी पौधे को नहीं मिलेंगे। उसके साथ में जैसे अभी मतलब इतना वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, ये चीजें चलाने से इतना हो गया कि जब बारिश होती है तो पूरा खेत है वो केंचुओं से भर जाता है। तो ये एडवांटेज रहा। और इनके जो पौधे के नीचे की जो जमीन है वो बिल्कुल एकदम भुरभुरी है, उसमें मतलब ऐसे हार्डनेस नहीं आता। शुरू के अंदर इसमें क्या होता था कि हमें हर 15 दिन से इसको जो मजदूर से इसको इसकी नीचे से निराई गुड़ाई करवानी पड़ती थी क्योंकि वो पपड़ी बन जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होता है और जो भी इसमें कोई खरपतवार होती है उसको मैं जलाता नहीं हूँ साइड के अंदर, पौधे के अंदर अब तो बहुत कम हो गई है, साइड के अंदर डाल देता हूँ और वो गल के और फिर पौधे को ऑर्गेनिक मैटर है वो जमीन के अंदर बढ़ जाता है और पौधे को उसका फायदा हो जाता है। क्योंकि अगर हमारी सोयल अगर कमजोर है तो पौधे ग्रोथ नहीं कर सकते। तो सोयल को अगर हेल्दी अपने को बनानी है तो उसके अंदर हरा मैटर है वो जरूरी है, तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। और 3-4 ऐसी बीमारियां हैं उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो डाईबैक होती है, एक सिट्रस कैंकर और एक होता है गमोसिस। गमोसिस होता है वो होता है बारिश के समय में होता है, तो उसमें हमें अप्रैल के अंदर पौधे के जो तने होते हैं उसके ऊपर बोर्डो मिश्रण का हमें पेंट कर देना है। तो अप्रैल में पेंट कर देंगे तो जब जो बारिश आएगी तो बारिश के अंदर उसका असर नहीं होगा। उसमें क्या होता है कि पूरे जो तना होता है उस पर गोंद जैसा हो जाता है और फिर पौधा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हमें शुरू में ऐसा लगता है कि पौधा हेल्दी है, फिर 5-10 दिन में वो मतलब एकदम से डाउन हो जाता है और पौधा खत्म हो जाता है। उसमें अगर किसी डाली के ऊपर आया हुआ है गमोसिस आपने देख लिया तो उस डाली को काट दें और उस पौधे के ऊपर बोर्डो मिश्रण का जहाँ पे वो प्रॉब्लम है उस जगह अच्छी से पेंट कर दें। और जो नीला थोथा और चूना, इन दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के और पौधे के ऊपर उसका स्प्रे अच्छे से कर दें, जिससे पौधा वो उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। नीला थोथा और चूना इन रोगों में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर सिट्रस कैंकर भी है या डाईबैक भी है, इन तीनों बीमारियों के अंदर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसके लिए अगर केमिकल यूज करते हैं तो उसमें COC बाजार में मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नीला थोथा वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, 300 रुपये किलो बाजार में मिल जाता है। चूना तो आपको बहुत ही जैसे आपको 10 केजी का है वो 50-60 रुपये में मिल जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं, किसान के बजट में कार्य हो जाता है। तो मैं तो नीला थोथा और चूना ही काम में लेता हूँ, COC नहीं लेकर के आता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसका साल के अंदर अगर आपको ज़रूरत फील नहीं हो तो भी आप 2 बार तो स्प्रे उसका कर ही दें, और अप्रैल के महीने में उसका अगर या सितंबर में भी, क्योंकि अगर किसी पौधे के अंदर गमोसिस की समस्या हो गई या किसी भी अन्य डिजीज की समस्या हो गई तो उसमें अगर बोर्डो मिश्रण आपने लगा दिया तो वो पौधा उसके अंदर वो समस्या खत्म हो जाएगी और पौधा वापस ग्रोथ में आ जाएगा। तो उस बात का विशेष ध्यान रखना है। डाईबैक में आपको पता ही है पूरा जो ऊपर से वो पौधा सूखने लगता है और नीचे तक सूखता चला जाता है, तो ये इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें आप जितनी जो शाखा पौधे की सूखी है उसको काट दें और उससे भी कम से कम 6 इंची नीचे से उस शाखा को काट दें ताकि उसके जो जर्म्स अंदर हैं वो भी बाहर निकल जाएं, और उसके बाद में आप स्प्रे कर दें और पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने दें, उसके पौधा जल्दी ग्रोथ में आ जाएगा। एक शुरू के अंदर जब आप बाग लगाते हैं उस समय उसमें जो रूट ग्रोथ प्रमोटर का भी आपको प्रयोग करना है। तो उसमें अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में तो आपको ह्यूमिक एसिड आप घर पे भी बना सकते हैं और वैसे बाजार से भी लेकर के आ सकते हैं, तो वो ज़रूर डालें। और
जब पौधों के अंदर फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो शुरू में ये इनमें एक वर्ष के पौधों में ही अच्छी फ्रूटिंग आ गई थी, लेकिन मैंने पहले साल भी सारे फ्रूट तोड़ दिए थे और दूसरे वर्ष भी ज़्यादातर फ्रूट थे वो मैंने तोड़ दिए थे। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि छोटे पौधों में अगर हम फ्रूटिंग ले लेते हैं तो वो पौधे ग्रोथ नहीं करते और उतने के उतने ही रह जाते हैं, जिससे हमारे को आगे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उस दो वर्ष तक किसी भी प्रकार की हमें फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए और तीसरे वर्ष से हम फ्रूटिंग लेते हैं। तो अब ये 3 साल का पौधा है, इसमें देख रहे हैं आप कितनी पूरे पौधे के अंदर, मतलब इसको मुझे बांधना चाहिए था, इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और इनके नीचे लकड़ी या कुछ लगाना चाहिए था। पूरे पौधे के अंदर आप पूरे में देखो, ये नीचे दिख नहीं रहे हैं, पूरे फ्रूट दिख नहीं रहे हैं, ये देखो नीचे तक पूरे साइड में कम से कम इसके अंदर 60-70 केजी फ्रूट तो है ही। तो ऐसे ही काफी पौधे हैं, कुछ पौधों में कम है लेकिन ज्यादातर पौधों में ऐसी स्थिति है। तो इसके लिए आपको इनके अंदर गोबर की खाद बहुत अच्छे से डालनी है और न्यूट्रिएंट के लिए आपको जो सरसों, मूंगफली और नीम के का इसमें अच्छे से प्रयोग करना है, और उस मतलब एक नीला थोथा और जो चूना है उसका शुरू में पहले फ्लोरिंग के पहले या बाद में इन चीज़ों का जरूर प्रयोग करें और कुछ ना कुछ इसके अंदर जीवामृत को हर 15 दिन से चलाते रहें। और मैंने अपने जो वीडियो उसमें ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार करते हैं उसके भी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। उसके वो चीज़ें इनके अंदर डालते रहें क्योंकि अगर केमिकल का हम प्रयोग करते हैं तो पौधे बहुत लंबे नहीं चलते और इसमें नुकसान ये होता है कि पौधे फिर जैसे थोड़े समय बाद में ख़राब होने लग जाते हैं। तो जितना कम केमिकल यूज कर सकते हैं उतना कम केमिकल का प्रयोग करें। और पौधों के लिए आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो मेरे को जितना नॉलेज है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप डाल देना और मेरे से वो चीज़ें शेयर कर लेना, या तो अगर वीडियो बनाना होगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं वो छोटी बात होगी तो मैं उसी समय आपको कमेंट के द्वारा वो वापस उसका मेरे को जितना पता उसका सोल्यूशन मैं आपको कर दूंगा। क्योंकि मैंने ये अपने को पता ही है कि खुद को सारी चीज़ों का पता नहीं होता, मैं भी काफ़ी घूमता हूँ, जो भी बाग मुझे आसपास में या कहीं भी दूर जाके ये पता चलता है कि वहाँ से हमें नॉलेज लेना चाहिए वहाँ मैं ज़रूर जाता हूँ और वहाँ से उनसे जो जितना मेरे से सीखा जाता है वो सीखने का प्रयास करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।